गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। संपत्ति नहीं, मानवता ही सबसे बड़ा धन होता है और इसका जीता जागता उदाहरण ओडिशा के कटक से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये घटना पूरे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक साबित होने वाली है। दरअसल घटना ये है कि एक वृद्ध महिला ने एक रिक्शा चालक के नाम पर अपनी पूरी संपत्ति, साथ ही 3 मंजिला घर भी उसके नाम पर कर दिए। इस महिला का नाम मिनाती बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस महिला के पति कुछ वर्षों पहले ही उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में ही रहने लगी थी, लेकिन पिछले ही साल उनकी बेटी की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये वृद्ध महिला पूरी तरह से लाचार और बेबस हो गई। कुछ समय बाद तक महिला अपने ही घर में रह रही थी, लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने उनका हाल चाल पूछना या उनका ध्यान रखना पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसके बाद ये वृद्ध महिला अपने आप को और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। जब मिनाती जी पूरी तरह से अकेली हो गई तो उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया और उन्हें लाचार ही छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हीं के घर पे पिछले 25 सालों से काम कर रहे रिक्शा चालक ने उनका सहारा बनने की ठान ली। बताया जा रहा है कि रिक्शा चालक पिछले 25 वर्षों से इन्हीं के घर पर काम कर रहे थे। साथ ही इस वृद्ध महिला की जो बेटी है उन्हें भी बचपन में स्कूल छोड़ने जाया करता था। मिनाती जी ने ये बताया है कि जब उनके परिवार वालों ने उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था, तब इस रिक्शा चालक के परिवार ने इनका पूरा ध्यान रखा। साथ ही इनके अस्पताल से घर तक का खर्चा भी इस रिक्शा चालक ने ही उठाया था। साथ ही इनकी सेहत का भी पूरा ध्यान रिक्शा चालक के परिवार वाले रखते थे, जिसको देखते हुए इस वृद्ध महिला ने अपनी सारी संपत्ति, उसके साथ अपना 3 मंजिला घर भी इस रिक्शा चालक के नाम पर कर दिया। हालांकि मिनाती जी के इस फैसले से उनके घर वालों की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा खरी खोटी सुनने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद मिनाती जी अपने फैसले पर अटल। इस पूरी घटना के बाद रिक्शा वाले का ये कहना है कि मिनाती जी ने जो उनके लिए किया, यानी कि जो संपत्ति उनके नाम पर की है, ये उनका बड़प्पन है। साथ ही मिनाती जी ये भी बताती है कि रिक्शा वाले और रिक्शा वाले के परिवार इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, इसी वजह से इन्हें किसी भी तरह का दुख नहीं है कि इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति रिक्शा वाले के नाम पर कर दी। वर्तमान में घर के साथ अन्य संपत्ति और घरेलू सामान को अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर 1 करोड़ की संपत्ति होगी। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।